वायरस का नया वेरिएंट JN1 दुनिया भर में फैल रहा है और तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। इस वायरस के फैलने की रफ्तार और इससे जुड़े खतरों को लेकर रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र यानी कि CDC ने चेतावनी जारी की है। अमेरिका की इस संस्था ने कहा है कि ये कोरोना वायरस का एक ज्यादा संक्रामक वेरिएंट है। ये तेजी से स्प्रेड हो रहा है और इस वजह से अमेरिकी अस्पतालों को बड़ी संख्या में मरीजों को भर्ती करने के लिए मजबूर भी कर सकता है ये वेरिएंट। CDC कोविड और फ्लू के संयुक्त प्रभाव के चलते अमेरिकी मेडिकल सिस्टम पर भारी दबाव पड़ने को लेकर अब वो चिंतित है। CDC ने कहा कि कोविड के मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने की संख्या तेजी से बढ़ रही है। गर्मियों के बाद से सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों की मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम पर भी नजर है, जो कोरोना की वजह से ही होता है। देश के ज्यादातर हिस्सों में इन्फ्लुएंजा बढ़ रहा है और कई क्षेत्रों में रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा बनी हुई है। CDC का मानना है कि आने वाले समय में हालात मुश्किल से भरे हो सकते हैं। CDC के मुताबिक देश के कुछ हिस्सों में बच्चों के अस्पताल पहले से ही लगभग उतने ही भरे थे जितने पिछले साल थे, लेकिन इस सप्ताह की शुरुआत में इमरजेंसी रूम के आंकड़ों से पता चला कि पिछले सप्ताह की तुलना में अस्पताल में भर्ती स्कूली उम्र के बच्चों की संख्या लगभग 2 गुनी हो चुकी है। CDC का कहना है कि फ्लू के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं ज्यादा उम्र के लोगों में कोरोना वायरस की दर फ्लू से ज्यादा है। फ्लू और कोरोना की वजह से मिडवेस्ट क्षेत्र समेत देश भर में कई नर्सिंग होम पहले से ही पिछले साल की दरों को पार कर चुके हैं, जिसने स्वास्थ्य अधिकारियों की चिंता को बढ़ा दिया है। CDC का ये भी अनुमान है कि JN1 में अब वृद्धि जारी रहेगी। बता दें कि कोरोना का नया वेरिएंट JN1 वेरिएंट COVID-19 की नई लहर की वजह बनता दिख रहा है। इसे BA.2.86 वेरिएंट का सब वेरिएंट माना जा रहा है। WHO के एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक समूह ने इस महीने निष्कर्ष निकाला कि JN1 में परिवर्तन इतने महत्वपूर्ण नहीं है कि मौजूदा टीकों के नए संशोधन की जरूरत हो। हालांकि शुरुआती आंकड़ों से पता चला है कि ये टीके कम प्रभावी थे। अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों ने ये भी कहा कि उन्होंने हाल ही में वैक्सीनेशन में गिरावट दिखी है। पिछले साल की तुलना में कम वयस्कों को फ्लू का टीका लगाया गया है, लेकिन बावजूद इसके अमेरिका की चिंता बढ़ी हुई है।